हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे यूटेंसिल्स के साथ क्या कर रहा हूँ। जी हाँ, अब मैं अपने फैशन इन्फ्लुएंसिंग के साथ साथ आपको फूड के रिव्यूज़ भी दूंगा, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि मुझे फूड बहुत पसंद है। सो आई एम अ फूडी लवर। सो आज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है स्विगी से। रेस्टोरेंट का नाम है मील 911। सो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इनके यहाँ पे केवल थालीज ही अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप की थालीज, बट आज मैंने जो थाली मंगाई है उसका नाम है सिग्नेचर वेज थाली। तो अब हम इसको जल्दी से खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आया है। ऑफिस के आने के बाद ये खाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। पैकिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त करी है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसे मैं खोलने वाला हूँ। दिस लुक्स अमेजिंग। सो गाइस, ये जो है ये है मेथी मटर, एंड देन वी हैव वेज कोफ्ता जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। फिर उसके बाद इन्होंने सब्जी दी है एक पनीर पसंदा की, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और फिर एक दाल दी है, एंड देन हमें लच्छा पराठा दिया है उनके साथ में, और फिर जो है वेज फ्राइड राइस। आप सोच रहे होंगे वेज फ्राइड राइस क्यों दिया। तो राइस में हमें तीन ऑप्शन मिले थे, आइदर सादा राइस, ज़ीरा राइस और वेज फ्राइड राइस। तो क्योंकि अंकिता को पसंद है वेज फ्राइड राइस, तो हमने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया है साथ में। और उसके साथ में हमने रखा है कुछ पापड़, जैसे कि आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए स्प्राइट। तो अब हम खाना शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा खाना है यहाँ का। थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर द फूड। तो ये इनका लच्छा पराठा है। हम देख सकते हैं ये लच्छा पराठा है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ पनीर के साथ, पनीर पसंदा के साथ। देख लीजिए, टेस्ट काफी शादी जैसा आ रहा है, जो शादियों का खाना होता है ना, सेम वैसा पनीर लग रहा है। लच्छा पराठा भी काफ़ी क्रिस्पी है। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं मेथी मटर। कुछ प्याज भी दिए इन्होंने। मेथी
मेथी मटर का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है और प्याज के साथ तो और भी बढ़िया लग रहा है। अभी हम खाने वाले हैं वेज कोफ्ते। सो आपको गाइस बता दूं, मेरे तीनों ही फेवरेट हैं। और ये तीनों अगर मेन कोर्स में आ जाते हैं तो मैं स्टार्टर वगैरह खाना छोड़ देता हूँ, मैं सीधा मेन कोर्स में देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसका फ्लेवर बताते हैं कैसा है टेस्ट करने में। इसका फ्लेवर गाइस थोड़ा आपको वेज कोफ्ते जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसको ज़्यादा फ्राई करके पकोड़े के जैसी टेस्ट काफ़ी दे दिया है। तो अच्छा है टेस्ट में, बट आपको ऑथेंटिक वेज कोफ्ता नहीं लगेगा ये। तो पर्सनली बताऊँ, उन तीनों में से अगर मेरे को चूज़ करना हो तो मैं पनीर पसंदा चूज़ करूँगा, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है कि पनीर पसंदा जो है काफ़ी स्वीट आता है, बट ये इनका पनीर पसंदा मीडियम स्पाइसी आप बोल सकते हैं। गाइस दिस इज सो यम। सो इस थाली में गाइस कुछ ऑफ़र भी चल रहा है जो कि मैंने अवेल किया, तो आप भी चाहें तो आप ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं और खा सकते हैं। लच्छा पराठा थोड़ा सा जो है नान जैसा फ्लेवर दे रहा है, बट फिर भी ठीक है, नॉट दैट बैड। सो ये पूरा प्लान जो था, ये अंकिता का प्लान था। अंकिता कब से ही चाहती थी कि हमारा फूड व्लॉग भी हो, क्योंकि उसे जो चैनल्स हैं कई सारे वो देखना बहुत पसंद है। वो जब भी डाइट पे होती है वीडियो चलाती है और अपना पेट भर लेती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे आपको रिव्यू ही नहीं, आपको फिटनेस में भी ध्यान दें आपका। गाइस बहुत ही आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही है। प्याज तो बहुत ज़रूरी है, बिना प्याज के टेस्ट भी नहीं आता है। अब हम खाने वाले हैं दाल और राइस। दाल और राइस का मज़ा गाइस हाथ से है। तो हम अब दाल राइस का टेस्ट लेने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी कैसा टेस्ट है। सो ये मेरा दाल राइस रेडी है, एक बार और डुबाऊंगा मैं। अब आप देख सकते हैं जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा दिख रहा है खाने में, देखते हैं खाने में कैसा।
खाने में काफी लाइट लगा गाइस, मतलब जो दाल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम लगा, थोड़ा ब्लैंड लगा। आई डोंट नो नमक कम है कि क्या है, बट फिर भी हमारे पास नमक है तो हम ट्राई कर सकते हैं कि नमक डालने के बाद कैसा टेस्ट आता है इसका, कुछ चेंज होता है कि सेम टेस्ट रहता है। तो मैंने नमक डाल दिया है, अब फिर से मैं अपना दाल राइस बनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। गाइस इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कुछ पनीर पसंदा, कुछ पनीर के पीसेस भी डाल दूँ, सो दैट टेस्ट थोड़ा और फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये जो टेस्ट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मज़ा आ गया गाइस। एक्चुअली कोविड के बाद सब लोगों को घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके खाने में ही आदत सी पड़ गई है। अब कोई बाहर जाके खाने का इतना वेट नहीं करता है, क्योंकि अभी सारे रेस्टोरेंट, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, चाहे आप बारबेक्यू नेशन में जाइए, चाहे आप फाइव स्टार होटल के कोई से भी रेस्टोरेंट देख लीजिए, 4.5 शेरेटन के, हयात के, सारे रेस्टोरेंट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है कि कोई बाहर जाके खाने की इच्छा नहीं हो, सब घर जाके बैठ के आराम से टीवी देखें, आराम से ड्रिंक पिए अपनी फैमिली के साथ और मजा ले खाने का। अब मैं कुछ पापड़ जो अंकिता के घर से आए, अंकिता की स्पेशली मम्मी ने बनाए, वो टेस्ट करने जा रहा हूँ। बचपन की याद दिला दी, एक्चुअली बचपन की याद दिला दी। ये राइस के पापड़ हैं और जो मम्मी अपनी जो बनाती थी और फिर धूप में सुखाती थी, वैसे पापड़ जो टेस्ट आता है घर के पापड़ का, वो कहीं नहीं आता गाइस।